सब उन मिसा मिसा ऑर्गेनाइजर इस लायक नहीं है कि ऐसा इवेंट कराए, इनको कराना नहीं चाहिए। भाई सारे रोटी पानी खा कर आ रहे, हमने खा कर आ रहे रोटी भाई, हमने 7 दिन पे छोड़ रखा है। आराम से सुनी नहीं ना भाई, आराम से मैंने सब बोल लिया। ये क्या पुशअप्स मार रहे हो यार वहाँ पे, क्या वो करवा? दिस आर यू नो दैट रिस्पेक्ट रिवर 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 वापस आओ वापस आओ। अरे वो भाग रहे हैं लोग, यहाँ पे लग चुकी है लोगों की भाट। 1000 पुशअप्स एक बार में मारता हूँ। क्या टिका रहे बस, एक प्रोटीन मिलेगा टिका रहे बस। Hey guys, कैसे हो आप सब? Well, welcome back to the channel. Thanks for subscribing and thanks for your love and support. So guys, जैसे मैंने आपको कल स्टोरी में बताया था, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाई थी कि यार HSF जाना है मुझे, हिमालयन स्टेलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, तो मैं रेडी हूँ निकलने के लिए और आपको रास्ते में सब बताऊंगा। गाइज मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ, यहाँ से मेट्रो लेंगे। प्रशांत भाई मुझसे मिलने वाले हैं वेस्ट जनकपुरी, तो उनके साथ चलेंगे आगे। गाड़ी लेके आ रहे हो अपनी, और भाई तुम्हारा कैसे ड्रेस है वो देखो। गाइज मिल गया मुझे प्रशांत भाई, मस्त लग रहा है एकदम, फर्स्ट टाइम मिला हूँ इनसे। और आज व्लॉग थोड़ा शूट करेंगे और इस व्लॉग को और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी अपना एफर्ट होगा भाई को फुल सपोर्ट है। मुझे शायद नहीं जानते होगे आप, लेकिन इनके चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अरे वाह भाई की बियर्ड बहुत सेक्सी है यार, देखो ना मैंने ये तो काफी रिप्लाई आते देखी है यार, बहुत सेक्सी है। नहीं ये काफी कमेंट आते रहते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि मेरी एज क्या है। अरे यार ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा एक काम करो, दोनों का एज गेस करो, कमेंट करो, जो भी सही कमेंट करेगा ना उसे एक स्कूप प्रोटीन देंगे और खुद आके देंगे तुम्हारे घर पे या जहाँ पे भी रहते हो खुद आएंगे। तो गाइस देखा कितना अच्छा ह्यूमर है भाई का यार, ऐसे सपोर्टिव बंदे यार मिलते रहे तो यार बात ही अलग हो जाती है। तो गाइस दिखाता हूँ सारी जर्नी आपको, स्टे ट्यून्ड। जस्ट पहुंचने वाले हम, 2.5 किलोमीटर के आसपास है। लास्ट ईयर का भी अच्छा खासा था यार, इस बार तो वो भी तो कर रखे इन्होंने, वो जो कॉमिक एक्टर्स बुला रखे हैं। अच्छा हाँ, और नेचुरल टीम की इनकी वो भी तो लगेंगे स्पॉन्सर वगैरह, नेचुरल टीम स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको। भैया HSF एक्सपो के लिए कहाँ से एंट्री है? बॉडी बिल्डिंग सर। हैं? बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। हाँ हाँ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। एक नंबर आगे है। ओके ओके थैंक यू। तो गाइज ये एक और यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, इंडिया का कोई डिजिटल इवेंट है ये, इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल कन्वेंशन करके। तो हमारी जो एंट्री है वो गेट नंबर 1 से है, जस्ट अभी कन्फर्म करने के लिए आया था मैं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट गेट हमारा यही पड़ता है। तो चलते हैं आगे, स्टे ट्यून्ड। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, लोगों को HSF एक्सपो से नहीं पता, मैंने बोला हाँ भाई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। यार ये हमारा गेट नंबर 1 दिखाई दे रहा सामने, यार ये गेट नंबर 1 पे है जो सभी। भैया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की कहाँ से एंट्री? उधर से जाना है। अच्छा और गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है? ओके ओके भैरव मंदिर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी गाइस, अब वो देखते हैं वो कहाँ पे है। एंट्री तो यहाँ से होगी, ये देखो यार बाहर कोई इसकी HSF एक्सपो की कोई ब्रांडिंग नहीं दी गई है, जो ट्रू है वो दिखाऊंगा यार पूरे ब्लॉग में। मंदिर पार्किंग में लगेगी गाड़ी खड़ी कर दी है यार हमने अपनी पार्किंग में, और अब यार ब्लॉगिंग करूंगा नहीं ज़्यादा देर धूप में, क्योंकि फ़ोन भी हीट हो रहा है। एंट्री कर दिया, तुम्हारे भाई ने पहन लिया हेडबैंड क्योंकि यार धूल मिट्टी बहुत है और धूप भी काफ़ी है, तो हेयर केयर सबसे पहले। ये गाड़ी वहीं जा रही है, इस बस से जाना है, उतर गया बस से और अब चलते हैं सीधा हॉल नंबर 7 में जहाँ हमारा HSF हो रहा है। ये क्या कर रहे हो आप, फिर लगा रहे हो अभी? कल भी तो बाकी है। अच्छा अच्छा तो गाइस ये एंट्री कर रहे हैं हम हॉल नंबर 7 में। हाँ चलो एयर कंडीशन है एटलीस्ट है, तो गाइस एंट्री कर दी हमने। एक और है भैया, एक और
ये नेचुरल टीम के अंदर एंट्री होते ही बूथ लगा हुआ है। जजेस ये जानना चाहते हैं कि इन एथलीट्स को पहले कॉल आउट क्यों नहीं किया गया, इन्हें अलग से क्यों बुलाया गया है? ओके सो प्लीज वापस बुलाना पड़ेगा सभी एथलीट्स को एक बार फिर से, प्लीज क्लास बी के सभी एथलीट्स जो परफॉर्म करके गए हैं उन्हें प्लीज वापस चाहिए। और सो प्लीज आपको वापस लाइन अप होना है ऑन द स्टेज। नो नो नो, यू हैव टू बी देयर ऑन द व्हाइट लाइन। मार्शल प्लीज सेंड देम अगेन। ये नेचुरल टीम का क्योस्क लगा हुआ है यहाँ पे। मैम ये फ्लेवर से प्रोटीन की फ्लेवर से तो फ्लेवर मैम कैसे कैसे मोका ट्राई करते हैं इसको कैसे मोका कॉफी जस्ट लाइक कॉफी राइस वन फर्स्ट प्रोटीन ब्रांड इन इंडिया जो ग्लाइफोसेट रेसिड्यू सर्टिफाइड है, वन एंड ओनली ब्रांड एप्लीकेशन जो ऑब्टेन करें नेशनल टीम ने जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट इम्पॉसिबल है दूसरा अदर ब्रांड के। ये स्कूली की कंपनी दावा करती है और जब कंपनी कोई भी चीज़ें एक्शन डालती है तो प्रोटीन की क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन हमारे प्रोटीन में आपको यहाँ पे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और कोको पाउडर नेचुरल फ्लेवर कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है। इवन जो सुनने आता है ना वो हमारा स्टेविया से लिया गया भाई। मैं पहले बता दूं मैं फ्लेवर यूज नहीं करता बट सही है फ्लेवर। कैसा भाई फ्लेवर? ये वनीला फ्लेवर
यार जैसे कोकोनट टाइप का और वनीला उस टाइप का आ रहा है, मतलब क्योंकि मैंने ना ओन का वनीला यूज किया था तो यार वो तो गजब प्रोटीन है यार, थोड़ा सा कोकोनट टाइप का आ रहा है मेरे को फीलिंग। बट इसका ये जो कौन सा है और फर्स्ट भी पाल लेते थे यार, मतलब जैसे दवाई भी दो इससे भी फील है बाकी ठीक है, बट मैं बेसिकली इसमें ज़्यादा प्रेफर करूँगा कैफे मोका। वेरी गुड कंपनी अमंदुकल सर मेरे मेंटर हैं, मेरे कोच हैं, तो यार आज उनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ मैं अमंदुकल यूनिवर्सिटी एडीयू रोड। I want to know the secret of this beard. We need to do something about this. Next time, Aman sir, any message for our audience, viewer? Anything for the audience? Enjoy the expo. Enjoy. Get one life, enjoy it. Enjoy. One life baby isn't here, but but still, I appreciate the same. He's looking more like a gentleman than I am. Hello, sir. कंपटीशन नहीं है यार, पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ना दस का, ग्यारह भी लगाऊंगा बहुत में। ज्यादा लालच नहीं करता हमारा भाई, कम में ही खुश रहता, बहुत सही है। चलो सही है, ऑन द मार्क गेट सेट गो, कोई भी नहीं गया। क्या बने हुए आप? फ्लैश का मिडिल पोर्शन ज्यादा ब्रॉड नहीं हो गया ये? अच्छा ये उठा वैसे लग रहा है भाई, जितना बजट होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। स्पाइडरमैन ने तुम लोगों का गेम खराब किया सारा, क्यों भाई मैं लिखता हूँ आकाश ने यार रोज को दिखता ही नहीं यार भाई, ट्रेंड ही आजकल ये क्या करे, हाँ को दिखता ही नहीं यार, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी एक्सपोज करे यार। मैं तो चाहता हूँ मुझे कोई कर दे, 1000 फॉलोअर तो बने। सही बात है ना भाई। और निकी मैम मैं आपको भी देखता हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको मिल के यार, सच में ब्यूटीफुल लवली कपल है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग। अमन दुग्गल सर, एकांश सनेजा, फिटनेस निक्की मैम, तो यार ये जो एम्बियंस है आपको यार कहीं आप इवेंट में जाओगे तो ही मिलता है, नॉर्मली आप लोग ये सब चीजें फील नहीं कर सकते। So here with us, as you can see, ladies and gentlemen, finally we have with us Akshay Chopra, fitness freak. Yes, very handsome, very fitness freak. We have with us, you can see right now, he is at world biggest natural sports festival. We really want to share some experience with Naturalite. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
natural teen with us. And who think who is the fittest among all of you can join. So jaise main down bolunga na on the floor. Ready? अक्षय चोपड़ा सर. चलो चलो सही है. सब कमोन एज आई कैन सी द रेड वन सबसे पहले गिव अप किया है. मैंने पूरा इवेंट रिकॉर्ड किया है, इसके लिए भी मिलेगा मुझे. कंटेस्टेंट व्हिच आर डूइंग द पुशअप चैलेंज. वन चल 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 एंके कम ऑन. टिका रहे बस. एक प्रोटीन मिलेगा. टिका रहे बस. चल 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 चल. टिका रहे. हां ऐसे ही रहे. एंड आई कैन सी द क्लियर विनर. बहुत सही हो गया. टिका रहे. गिरना नहीं है. गिरना नहीं है. फाइनली टिका रहे. टिका रहे. टिका रहे बस. सो दिस ऐसे ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो बहुत टाइम बाद 40 40 लगे मैंने लगाए हैं. तो ये मतलब जिनमें यार हम 10-12 बंदा है. प्रशांत भाई कैसे एक्सपीरियंस लगा पहले बताओ. चल चलते बात करते हैं भाई. काफ़ी दिन बाद कोई इवेंट में आया हूँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मज़ा आया लोगों से, नए नए लोगों से मिलके. कांस तनेजा से भी मिले. और भाई लिंक भी डालेंगे और एक शॉर्ट वीडियो बनाया है उसको जरूर देखना. कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है. क्यों? क्योंकि वो वीडियो रियल टाइम में थॉट किया था. मतलब एक हल्का सा टाइम लेके. और वो भी बंदा भाई सही है, जेन्युइन है. तुरंत उसने मना नहीं किया कुछ. उसने बोला ठीक है रिकॉर्ड कर लो जो भी आपको करना है. गाइस बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था भाई का. मैं इसने बोला यार वीडियो बनाते हैं. चलो यार इसके मुंह में जो आया इसने बोला भाई. मजाक कर रहा था. और मुझे नहीं पता भाई एग्री कर जाएगा. हाँ, और उसने टाइम और वो इतनी अच्छी वीडियो बनी है यार गाइस. मैं खुद भी इंक्लूड करूंगा अपने व्लॉग में, आप देखना. सो हेलो एवरीवन, अभी आए हैं कंपटीशन में. नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन हो रही है यहाँ पे. और एक बंदे को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और काफी वीडियोस देखी है मैंने. वो ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट बना रहे हैं. और सबसे जो फेमस कंटेंट है उनका फ्लेक्सिबल डाइटिंग, जो कि मुझे कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आया कि भाई है क्या ये. मतलब बंदा पिज्जा भी खा सकता है. सो मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा भाई. उसमें पिज्जा भी खा सकते हैं, कढ़ाई पनीर भी खा सकते हैं. अब बंदे ये कंफ्यूज है कि उसको फॉलो करे जो कि बॉयल खाना खाता है, या इस भाई को फॉलो करे. अरे बोलो कंटिन्यू. सो मैं ये कह रहा था कि जो फ्लेक्सिबल डाइटिंग है ना भाई बेस्ट है. उससे ऊपर कुछ नहीं है. और ये जो बॉयल खाना है, 80% लोग बॉयल खाना नहीं खा सकते. ये मैं लिख के देता हूँ. मेरे को छोड़ के सब पीट देंगे. अल्टीमेट यार अल्टीमेट. सो और उसके बाद हमने पुलअप चैलेंज भी कर दिया. भाई ने पुशअप्स भी किया. पुशअप्स में टी शर्ट भी मिली. अब इसके बाद देख रहे हैं और क्या कर सकते हैं. या और भी कोई मिलता है तो पकड़ने की कोशिश करते हैं. कोशिश करते हैं किसी से कुछ मिलते हैं उनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं. क्या मेंटेलिटी है इस टाइम की, किस फेज से गुजर रहे हैं वो. क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन का टाइम चल रहा है. खाना क्या खा रहे हैं या मतलब किस फेज में, एक बार बात करते हैं. मेरे को लगता है मेरे को बोलने जरूरत है ही नहीं भाई. जब रुकना हो हाथ ऐसे कर देना. नहीं यार भाई बोल रहे हैं. जब बोलना स्टार्ट करता हूं रुकता नहीं हूं मैं. कंटिन्यू अपना जो है रेफरेंस दे दिया है और अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सोशल मीडिया डिटेल्स दे दी है. अब ये लोग करेंगे कंसल्ट मुझे वीडियोस वगैरह का. इनका कुछ पॉइंट वगैरह होता है, कुछ रिवार्ड करती है कंपनी. करना खतरनाक लग रहा है. बैक करवाओ बैक. बैक चंदन अपनी बैक है कैप से गाइस. भाई ये तो मिसिंग भाई. भाई देखने में लग ही नहीं रहा यार रियल है. अननेचुरल बोलते सारे भाई. हैं अननेचुरल बोलते हैं. मैं क्या प्रोफेशनल बॉक्सर हूं भाई. अच्छा अच्छा 8 साल हो गए बॉक्सिंग करते. बॉक्सिंग करते करते बॉडी बनी. वो तो नजर बैठा
ये वहीं का बंदा है, इसको पकड़ो जल्दी। तो भाई देखो यार, अपने गांव के मिल गए। बॉक्सिंग करते हो या जिम करते हो? तो अभी ये हो गया, एक साल पहले ली थी मेंबरशिप, भाई मिला था। बताना 1000 पुशअप से एक बार ही मारता हूँ, ठीक है भाई? और किसी से पूछना मेरे जिम में जाके 1000 पुशअप से एक बार में, ठीक है? और मैं वो 4 किलोमीटर ना, 4 किलोमीटर 15 मिनट में, उससे भी कम में भाग लेता हूँ। रोज भागता हूँ, देसी दूध घी दही खाना अपना ही है। ये देखो लाइव भाई बोल रहे हैं, दिखा रहे घी का चूरमा है। ये देखो अभी रत रहेगी भाई, ये है डाइट। पहुंचे भाई के 6 मिनट में अगला 4-4.5 किलोमीटर ऐसे भाग लेगा जिसे कोई याद नहीं। मतलब ट्रेडमिल पे पागल हो जाते हैं लोग, देखते हैं पसीना ऐसे बहता है जैसे पानी लगा लो। दुनिया कहती है भाई सोल छोड़ देना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ देना। भाई मैंने खाना खाया है बिल्कुल देसी, मिट्टी में जो ताकत है ना वो कितने इसमें करवा लो, कुछ करवा लो। अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते रहेंगे और हमारा ब्लॉग जरूर देखना। आप देखें भाई को हमारा फीचर करेंगे बरसात है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि नेचुरल लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में और लोग बाहर का कल्चर बहुत अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंडिया को नहीं करना चाहिए। हम इंडिया वाले दिखा सकते हैं कि हम भी नेचुरली बहुत आगे तक जा सकते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है करने का। भाई जो बोलना है वही करना है, चाहे पावर लिफ्टिंग हो, आर्म रेस्लिंग हो, या फिर कोई भी बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट हो, आप नेचुरली कर सकते हो अगर आपके अंदर मेंटेलिटी है चैंपियन वाली, आप डाइट अच्छी ले रहे हो, आप रेस्ट अच्छा ले रहे हो, आप ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली नेचुरली भी आप अच्छा कर सकते हो। अब लोग जिम जाते हैं, 1-2 महीना करते हैं, उनकी बॉडी नहीं बनती, वो ड्रग्स पे आ जाते हैं। वही है ना, मतलब टाइम, हर चीज़ टाइम लेती है, चाहे कोई भी चीज़ लाइफ में। एक छोटा सा मैं और पूछना चाहूँगा, यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए कुछ आपका कंसिस्टेंट रहो, शॉर्ट्स डालो और मतलब कुछ अलग दिखाओ। भाई बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आप थैंक यू सो मच। या तो एज भी कम है भाई की और या फिर क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस है भाई। क्या हो गया, भीड़ बहुत है। हाँ यार देते हैं भैया, यार दो बियर देना, बियर दो, बियर जिंजर बियर। रन नंबर 159, मैं जितने भी ट्रंक नंबर बोल रहा हूँ आपको आगे आने, 138, 159 एंड ट्रंक नंबर 282। बाकी के एथलीट्स लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए। ट्रंक नंबर 197 आप आगे आइए। ये मील वैसे अब खाएंगे, सेकंड मील हमारी, टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, टाइम 6:30 के आसपास हो रहा है। अच्छी हो गई गाइस, और दूसरी मील और ये भी 250 रुपीज़ का है पर प्लेट। भाई इसमें ये बता देना खाने के बाद कि चिकन के पीस कितने। मैंने पूछा यार उसे इटली, ये 250 में नॉर्मली हमें एक घर पे मुर्गा मिल जाता है, लेकिन इसमें ये टॉपिंग करके चिकन की ये अंदर राइस में भी है, मेरे हिसाब से 150 ग्राम के अंदर ही होगा। चलो करते एंजॉय। लास्ट टाइम जो आपने सारा ब्लॉग बनाया था मैंने पूरा देखा कल, आज भी बनाया आपने। ये सुबह से काफी देर से ढूंढ रहा था। मैं सर, मैं सबसे मिल गया, कान से ही मिल गया, मैं सबसे मिल गया। अच्छा सर, ये वीडियो मैं आपको ढूंढ सकते हैं, आप भी देखेंगे। एक्चुअली मैं उधर आगे बैठ गया था ना, जहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा था, इसलिए सर मैंने छोटा मोटा यूट्यूब सारे मिल गए। क्या नाम है आपके चैनल? अंकित सिवान सर, मैं अंकित सिवान, अंकित सिवान के चैनल को पूरा सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपका कॉन्टेंट फिटनेस रिलेटेड जो भी कॉन्टेंट है इनका देखिए, उसको ब्लॉग फिटनेस ब्लॉग जो है उसको पॉपुलर कर रहे हैं इंडिया में, और ये बहुत ज़रूरी है ना। आप कितना हम्बल, कितना पोलाइट करिए जितना हो सके, और ये वाला इधर आइए थोड़ा, ये अपने मेरे चैनल में भी जाएगा। नाम बताइए अपने चैनल का। अंकित सिवान, अंकित सिवान, इनके चैनल को देखिए आप लोग, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ये, और ये भी ऑनेस्ट रहेंगे और बिल्कुल जो है आप लोग को जो है अच्छे अच्छे राह पर लेके जाएंगे। सर आप 35 के भी अरे बाकी सर मिलेंगे कभी, बिल्कुल। आप नोएडा में रहते हैं? नहीं नहीं, मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में रहते हैं? यूपी से। चलिए कभी, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।
भानु भाई एडियो से मिले यार हमें तो भाई इतना अच्छा टेम्पटेशन है, इतना अच्छा माहौल है यार, और सबसे अच्छी बात है हम लोग तुमसे बातें किए जा रहे हैं और हमें अब जाना है कि ब्लॉग में भी भाई को लेना है। तो यार ये था, देखो क्या होता है ना यहाँ का औरत ऐसा होता है कि आदमी यहाँ पे आके थोड़ा सा कोसा जाता है, अब सब लोगों से मिलने में तो ध्यान नहीं रहता यार चीज़ों का। और भाई सही है तो भाई आराम से सुनी नहीं ना भाई, आराम से मैंने सबको बोल लिया, मैंने सबको बोल लिया भाई, कोई बोल ही नहीं रहा यार यहाँ पे। भाई सारे रोटी पानी खा कर आ रहे, हमने खा कर आ रहे रोटी भाई, हमने 7 दिन का छोड़ रखा है। अच्छा आराम से चार के बाद ठीक है भाई, एक सेकंड सारे चुप रहो, आराम से चढ़ा दो स्टेज पे नहीं क्लास एक को चढ़ा दो भाई, सुनो पहले आराम से बात करो यार, अभी एसपीजी 4 बजे का टाइम है, भाई बॉडी लेकर आएगा ठीक है भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई, नहीं मैं नहीं आऊंगा, सारे आएंगे, सारे आओगे भाई, एसी तक नहीं चल रहे भाई, बंदों की बात सुनो ना भाई, क्या कर रखा है पीछे अपनी सबकेशन रखी है, 7,500 रुपए ले रखे एक आदमी से, 7,500 रुपए दिया है दो दो दिन से बच्चे भूखे हैं, पानी काफी चीजों के बारे में बात हुई थी, अब आज जो है उस शो को भी नहीं करा रहे हैं, जो ओनली मेंस लीग की अभी भी कानिंग हो जाए। सर आपको पता है लोग पानी नहीं पीते, आपको पता है सर, आपको पता है पुलिस की जितनी हेल्प उतनी हेल्प कर, पुलिस नहीं कर सकती इसमें सर, कैसे हेल्प कर, ऑर्गेनाइजर नहीं कर रहे ना आप, ऑर्गेनाइजर इस लायक नहीं है कि ऐसा इवेंट कराए, इनको कराना नहीं चाहिए, पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे टाइम की वैल्यू नहीं है क्या, सुन लो एक मिनट सुन लो, आजा भाई साहब आजा, हैदराबाद से हम लोग आ रहे थे कॉम्पिटिशन के लिए, खिलौना छोड़िए पीछे एथलीट को ग्राम पड़ रहा है, वो गिर रहा है, अब क्या करेंगे, अब वो पूरा डाइनिंग विनिंग करके रेडी है, मैं खुद एथलीट हूँ, मैं खुद एथलीट हूँ, काम होता है ये, सर मैं आपको कुछ बोलूँ, मैनेजमेंट वालों को बुलाओ, क्यों ना आप हमसे बोलो, इनसे वो बताओ सर, मैनेजमेंट से एक भी इंसान नहीं है, मैं जो डाइनिंग करके खड़े हैं सेवा का सत्य वो कहां जाए, नहीं आएगा कोई, नहीं नहीं क्यों करेंगे कल भी तो होगा, दूसरी बात सुनिए, नहीं करेंगे तो ये एच एस एफ और यहाँ पे लग चुकी है लोगों की बात, ऐसे खा गए भाई चीज़ पैसे में,
निकल गए हैं, गाड़ी में आ गए हैं यार, और थोड़ी सी भसड़ हो गई थी वहाँ पे। तो यार जो भी इसका रहेगा आपको मैं एक बार वीडियो देख के उसका कंक्लूजन बता दूंगा। और यार अभी थके हुए हम लोग, कुछ खाया पिया भी नहीं है। प्रगति मैदान से निकल के फिर यहाँ खन्ना मार्केट में आए हैं कुछ खाने के लिए। सावर मुगलाई रेस्टोरेंट है ये, तंदूरी चिकन पनीर टिक्का करवाया है। तो भाई करते हैं इंजॉय इसको। ये हो गया हमारा तंदूरी चिकन, अब चलते हैं। तो गाइस मुझे साल भी याद नहीं है कितने साल बाद मैं बैठूंगा बस में। तो ये क्लस्टर बस है यार, पर्पल कलर की इलेक्ट्रिक बस। तो यार आज इसमें चढ़ाऊँ मैं, बहुत टाइम बाद। और यार पुरानी कॉलेज की जो मेमोरीज है मेरी, वो मतलब बिल्कुल फ्रेश हो गई है माइंड में। बाकी अच्छा लग रहा है यार, देखो